कभी बीमारू था मध्य प्रदेश अपना, लेकिन अब हम तेज गति से आगे बढ़े हैं और इस साल मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की दर ही है 19.76%। बीमारू से सुचारू और फिर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जी हाँ, सीएम शिवराज की अगुवाई में मध्य प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। ताजा उपलब्धि खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। ये आंकड़े RBI की हाल में जारी हुई सालाना हैंडबुक में सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में UP करीब 5.8 करोड़ टन के साथ टॉप पर है। मध्य प्रदेश 3.28 टन के साथ दूसरे नंबर पर है। पंजाब इस सूची में 3.04 करोड़ टन के साथ तीसरे नंबर पर है। राजस्थान 2.42 करोड़ टन के साथ चौथे और हरियाणा 1.83 करोड़ टन के साथ पांचवें नंबर पर है। 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 31 करोड़ टन तक पहुंचा। 2019-20 में ये 29.97 करोड़ टन था। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। यहाँ दलहन की पैदावार करीब 53 लाख टन तक पहुंच गई। किसान पुत्र सीएम शिवराज की कृषि हितैषी नीतियों और योजनाओं से मध्य प्रदेश उत्पादन में न सिर्फ नए आयाम स्थापित कर रहा है, बल्कि खेती के जरिए किसान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अपना योगदान भी दे रहे हैं।